देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली को उनके कामों की वजह से पूरा देश जानता है और लोग उनकी सराहना भी करते हैं। नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसले लेकर देश की अर्थव्यवस्था को अलग ही ऊंचाइयों पर ले जाने में अरुण जेटली का काफी बड़ा हाथ है। वह पंजाब के अमृतसर से लोकसभा सीट हारने के बाद भी मोदी की कैबिनेट में सबसे पहले राज्यसभा की तरफ से पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को भी वह उनके काम और व्यक्तित्व के कारण बहुत अच्छे लगते हैं और इसीलिए उन्हें देश का इतना बड़ा मंत्रालय दिया गया है। लेकिन आज यहाँ बात करते हैं अरुण जेटली की भतीजी के बारे में, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चाओं में दिख रही हैं। वह भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री के साथ भी पिछले 10 साल से जुड़ी हुई हैं और काफी सीरियल्स में काम भी कर चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टीवी एक्ट्रेस रिधि डोगरा के बारे में, जो कि रिश्ते में वित्त मंत्री अरुण जेटली की भतीजी लगती हैं। रिधि बहुत सारे लोकप्रिय धारावाहिक में नजर आ चुके हैं और उनकी एक्टिंग दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद भी आती है। रिधि ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल झूमे जियारे से साल 2007 में की थी, जो कि काफी ठीक ठाक चल भी गया था। लेकिन उन्हें असली पहचान मर्यादा, लेकिन कब तक और सावित्री जैसे सीरियल से मिली और उनका नाम पूरी इंडस्ट्री में मशहूर हो गया। रिधि डोगरा ने टीवी एक्टर राकेश वरिष्ठ के साथ शादी की है और पहले वे कुछ समय रिलेशन में रहने के बाद बंधन में बंध गए। हाल ही में अरुण जेटली की बेटी की शादी यानी अपनी कजन की शादी पर वो अपने पति के साथ ही नजर आई। इस समय भी रिधि डोगरा इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और वह टीवी सीरियल क्यामत की रात में स्वीटी के किरदार में नजर आ रही हैं और दर्शकों को उनका यह किरदार भी काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और इसीलिए यह धारावाहिक काफी हिट भी हुआ है। लेकिन रिधि ने कभी भी काम पाने के लिए अपने रिश्ते के नाम का सहारा कभी नहीं लिया और अपने पैरों पर खुद खड़ी हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको भी रिधि डोगरा अच्छी लगी तो हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। दुनिया भर की वायरल बात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।